एक तरफ जहां यूटी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं केंद्र व यूटी प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के युवाओं को चल रही परियोजनाओं में नजरअंदाज किया जा रहा है। ताजा मामला सुध महादेव खिलानी सड़क परियोजना का है, जहां आज मजबूर होकर वहां के मकामी युवाओं ने जम्मू आकर प्रदर्शन किया ताकि उनकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट डोडा के युवा आज मायूस हैं कि उनके इलाके में परियोजनाएं चल रही हैं, परंतु इस पहाड़ी जिले के युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ और हमारे पूरे साथी डिस्ट्रिक्ट डोडा और अम्बन के लोग हैं। यहाँ हमारी बस यही डिमांड है, आज हम जम्मू में आए हैं। रीज़न ये है कि हमारे लोकल बच्चों को डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं एडजस्ट किया जा रहा, जितने भी वहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, फिर चाहे बात की जाए क्लीन सुजमादेव टनल्स की या इसके अलावा भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है। लोकल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है वहाँ की, लोकल बच्चों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे कि डीसी साहब हो गए या वहाँ NHDSR के जो बाहर के लोग आए हुए, लेकिन फिर भी लोकल लीडरशिप इतनी मतलब नाकाम है कि इसकी वजह से लोकल बच्चा बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा और बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं। हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमारे को टॉप मोस्ट इंजीनियर लगा दो, हमारे डॉक्टर्स लगा दो, हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लेबर में लगा दो, कोई इलेक्ट्रिशियन लगा दो, कोई ड्राइवर लगा दो, कोई कुक लगा दो, लेकिन यहाँ भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जा रहा। तो हम इसलिए आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर अभी आए हैं ताकि हमारी बात ये सुनी जाए और अब आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं टॉप लीडरशिप को और साथ में मोदी जी भी अभी आने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कि आप भी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल हो नहीं पा रहा है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर के बाहर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो फिर ये कहाँ का नारा हुआ वोकल फॉर लोकल। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारे लोकल बच्चों को तवज्जो दी जाए लोकल प्रोजेक्ट्स में।